हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं भरवा करेले। करेले ले लिए हैं और मसालों में हमें चाहिए नॉर्मल हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा जीरा, एंड यू मस्ट हैव सौंफ, बड़ी सौंफ, और आमचूर पाउडर खटाई के लिए, और मैंने जीरा पाउडर भी ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले करेले का अंदर का पल्प निकालने। भरवा करेले हैं तो यानी करेले के अंदर कुछ स्टफिंग होगी। स्टफिंग किसकी होगी? करेले का कुछ भी पार्ट वेस्ट नहीं करते हैं। वी विल स्टफ द पल्प इनसाइड द करेला। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करेले से पल्प कैसे निकालना है। मैंने करेले को, जैसे ये छोटे करेले को, दो भाग में काट दिया। अब इसका हमें पल्प निकालना है। एक कोई भी बड़ा सा आप कटोरा ले लीजिए। ये जो चाकू है, इसका आप धार देखिए, ये ज़रा पैना सा है। नहीं है तो आप चम्मच ले सकते हैं या एनीथिंग जो पैना हो, और उससे भी नहीं हो रहा है तो आप सीधा एक स्लिट मार दीजिए। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आई एम गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन एंड द होल पल्प इज कमिंग आउट। आई एम गोइंग टू सेव ऑल दिस पल्प, और इस पल्प को हम बाकी मसाले और थोड़े से प्याज में भून के वापस इसमें स्टफ करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शो यू द करेलास। See how it looks. It's totally empty and ready to be stuffed, but it still needs to be cooked. So guys, the trick which I was showing to make it healthy is ki instead of ye sara karela tel mein pakayein, hum ise halka sa boil kar denge taki iske outer cover jo hai wo pak jaye, kyunki usi mein time lagega. So abhi maine isko cooker mein sare karele obviously dho ke dal diye hain, और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ आधा कप पानी ये सारे करेलों में, बिकॉज़ ये अपनी, मैं चाहती हूँ कि ये अपनी भाप से पक जाए रादर देन किचकिचे हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी, हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 1 टीस्पून ऑफ नमक पकाने के लिए, और इसको हम क्लोज करके सिर्फ एक सीटी डाल के इसको ऑफ कर देंगे। बस हम इसको एक सीटी में ही ऑफ कर देंगे क्योंकि ये अपने भाप में ही पक जाएगा। और इसको मैंने हाई पे मैं सीटी दिला रही हूँ, जस्ट अबाउट टू कम नाउ एंड वी शुड बी रेडी टू टर्न ऑफ द हीट। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है, हम फिलिंग इसकी तैयार कर लेते हैं, यानी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने एक चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी जीरा, और मैंने प्याज, एक प्याज का हाफ हिस्सा काट लिया है, एंड दिस शुड बी इनफ। द रीज़न इज़ उसी करेले में उसी की स्टफिंग जाएगी और थोड़ा प्याज जाएगा, सो देर इज़ नो पॉइंट कटिंग अ फुल अनियन क्योंकि उस स्टफिंग के लिए जगह ही नहीं होगी। तो मेरा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। सी, मेरा जीरा क्रैक हो रहा है। इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, बारीक काटिए प्याज को ताकि वो अंदर स्टफ करने में आसानी हो। एक चम्मच रिफाइंड तेल में डाला था मैंने। इसको हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये पिंकिश हो जाए। देखिए, अब हमारा प्याज पिंक हो रहा है। इसी बीच में आप अपना पल्प चेक कर लीजिए। जैसे मैंने तो ऑलमोस्ट साबुत में निकाल पाई थी, तो इसको मैं थोड़ा काट लूँगी बारीक बारीक ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो आई एम गोइंग टू कट ऑल दिस। This is my pulp जो बाहर आया था, लेकिन these kind of things I will cut them into fine tiny pieces. ये देखिए, अब हमारा प्याज बहुत प्यारा सा पिंक कलर आ चुका है इसमें। अब मैं डाल दूंगी अपना pulp. Pulp के साथ ही आप अपने सारे सूखे मसाले डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक, बहुत हल्का, और थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, और जीरा पाउडर डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून, और हम डाल देंगे इसमें खड़ी बड़ी सौंफ। ये सबको मैं मिक्स करूंगी और तब तक चलाऊंगी, मे बी 5 मिनट्स और सो, तब जब तक ये सारा पक ना जाए। और पकने के बाद हम इसे ठंडे करने के लिए भी रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, अब ये हमारा अच्छा मसाला पक रहा है। इसको मैं ढक ढक के पका रही थी। इसको हम ज़रा और 5 मिनट ढक के सिम आँच पे,
मतलब मीडियम मीडियम लो पे पकाएंगे। एंड नाउ हमारे कुकर की सीटी भी निकल चुकी है, तो देखते हैं हमारे करेले पके हैं कि नहीं। लुक एट दिस, मेरा पानी बहुत कम था बिकॉज आई डिडंट वांट अ मैश्ड अप करेला। इजी वे टू चेक इज़ एक आप पैना चाकू लीजिए, उसमें डिग इन कीजिए एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ ईजिली इट्स ब्रेकिंग थ्रू, यू सी दिस हाउ ईजिली इट्स ब्रेकिंग थ्रू। बहुत बढ़िया पक चुका है ये, इसको अब मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में जिसमें हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारा मसाला पका। एंड गाइज, इसमें जो पानी है हरे रंग का, ये करेले का अपना पानी निकला है। इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। आपके घर में कोई भी डायबिटिक है या इवन अदरवाइज, दे कैन हैव दिस हाफ अ कप ऑफ करेले का वाटर। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, सो यू डोंट इवन नीड टू वेस्ट दिस, समवन कैन एक्चुअली ड्रिंक दिस। तो गाइज, अब हमारा मसाला बहुत बढ़िया से भून चुका है। इस समय मैं इसमें एक चुटकी आमचूर पाउडर डाल देंगे, और अगर आपको लगे कि आपका मसाला काफ़ी ड्राई हो गया है, सो रिमेंबर कुकर में हमारा यहाँ पे पानी जो था करेले का, मैं इसी में से थोड़ा पानी लेके डाल देती हूँ, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स टू मेक इट रियली मॉइस्ट इनसाइड एज वेल। एंड लाइक आई सेड, एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड मे बी हाफ अ टीस्पून ऑफ आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ फ्लास्क में डाल सकते हैं। एंड टू कीप इट मॉइस्ट आई टोल्ड यू द ट्रिक, करेले का ही पानी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, स्प्रिंकल इट इन एंड दिस इज़ रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ माई स्टोव। आमचूर पाउडर को मैं एटलीस्ट एक मिनट तक थोड़ा पका देते हैं, और उसके बाद हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। सो गाइज, अब हमारे कटे हुए करेले जो कुकर में उबाले थे हमने, ठंडे हो चुके हैं, और उसकी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। फिलिंग को जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने उसे एक अलग से प्लेट में निकाल के फैला दिया था, एंड इट जस्ट टुक मी लाइक मे बी 4 to 5 minutes फॉर ऑल दिस टू कूल डाउन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू द फिलिंग इन ईच वन ऑफ दीज। वी जस्ट हैव टू बी सेंसिबल इनफ कि किसी को भी ओवर फिल ना कर दें, क्योंकि इसकी खुद की जो पल्प है वो पकने के बाद डेफिनेटली रिड्यूस हो गई होगी। दैट मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी विल बी एबल टू राइटफुली फिल इन ऑल द करेलास, सो वी हैव टू बी जस्ट रीजनेबल इनफ टू डिस्ट्रीब्यूट देम। गाइस, आई हैव एक्चुअली स्टफ्ड इन एवरीथिंग, बट आई एम गोइंग टू शो यू सम सैम्पल्स। आई टुक अ स्मॉल स्पून, और ये वो करेला है जिसको मैंने काटा हुआ था, बट आई रियलाइज कि जो नहीं करते हैं दैट इज़ मच ईजी इन द सेंस कि वो आपके पैन में जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो खुलेगा नहीं, बट स्टिल दिस इज़ हाउ यू डू कटा हुआ। आप इसको धागे से बांध सकते हैं और तब पका सकते हैं ताकि ये खुले नहीं, और जब पक जाए तो वो धागा निकाल सकते हैं। ये वो करेले हैं जिसमें कुछ भी कट्स नहीं है, सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई फिल दिस। Just keep filling, don't worry if it spills. ये प्लेट के अंदर ही स्पिल हो रहा है, that's okay. Now to stuff it, I'm going to use the back of the spoon. So I'm going to tightly pack it, that is what is going to give all the taste. और एक साइड में मैंने अपना पैन गरम करने के लिए रख दिया है। Let me show you how all these karelas are looking. See, they are all packed. And earlier I was being very reasonable, but now that I have left over, I'm going to just fill in जहाँ पे भी मुझे कम लग रहा है। Just make sure आप इसे tighten up कर दें ताकि ये pan में खुले ना। So guys, ये सारे हमारे करेले भर चुके हैं, और मैंने एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल लिया है। इसको अब हम medium आँच पे, तेल मेरा गर्म हो चुका है, कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें ready है, सिर्फ हम इसे सेकेंगे तेल में, और जो भी इसमें तेल बच जाएगा इसमें हम अपनी नेक्स्ट सब्जी भी बनाएंगे। और अगर इसका मसाला इस कढ़ाई में निकल रहा है दैट्स ओके, हम फिल्टर करके वो ले लेंगे खाते समय।
दैट्स इट। इसको आप कवर करके पका सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा पका हुआ है, सो द होल पॉइंट इज कि इसको हमें साइड से रोस्ट करना है बस, एंड वी विल कीप टर्निंग इट एवरी कपल ऑफ मिनट्स अंटिल ऑल द साइड्स आर नाइसली ब्राउन। तो देखिए अब हम इसे धीरे धीरे पलटते रहेंगे, जहाँ जहाँ ब्राउन हुआ है लाइक दिस वन, इसको एक चम्मच और एक लेडल की सहायता से आप इसे पलटते रहिए ताकि सारी साइड इवनली ब्राउनिश हो जाए। एंड डोंट वरी अबाउट द ऑयल, वी विल ड्रेन आउट ऑल द ऑयल एंड वी आर गोइंग टू रीयूज इट फॉर आवर नेक्स्ट वेजी। अब हमारे करेले रेडी हो चुके हैं, इसको हम निकालेंगे प्लेट में। यू कैन सर्व इट विद रोटी चपाती और यू कैन इवन ईट इट एज अ साइड डिश। एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट ऑल दिस एक्सेस ऑयल, वी आर गोइंग टू स्क्वीज द करेला, टेक आउट द एक्सेस ऑयल एंड यूज इट फॉर आवर नेक्स्ट वेजी विच इज़ सिमिलर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कुंदरू, इसमें मैं आप कुंदरू बना दूंगी ताकि ये मेरा ऑयल वेस्ट ना हो। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई होप यू एन्जॉय द स्टफ्ड करेलाज इन अ हेल्दी वे।